वेलकम टू ताली मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एक पतली लंबी ट्यूब होती है। देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर ये एलिमेंट्री कैनाल का है। तो एलिमेंट्री कैनाल एक पतली लंबी ट्यूब होती है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है। ये देखिए, ये माउथ है, ये इस माउथ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है और एलिमेंट्री कैनाल एनस पर एंड होती है। ये स्ट्रक्चर एनस का है, यहाँ पर इस एनस पर एलिमेंट्री कैनाल एंड होती है। या कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक फैली रहती है या एक्सटेंड करती है। ये देखिए माउथ है, ये देखिए एनस है। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक फैली होती है या एक्सटेंड करती है। अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में मेनली 6 ऑर्गन होते हैं। नंबर 1 माउथ। माउथ में टंग होती है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है, माउथ में टीथ होता है। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा ऑर्गन फेरिंक्स है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फेरिंक्स का स्ट्रक्चर है। फेरिंक्स 3 टाइप की होती है। नंबर 1 नेजोफेरिंक्स। ये नेजोफेरिंक्स है। नेजोफेरिंक्स वो फेरिंक्स होती है जो नेजल कैविटी से कनेक्टेड होती है। ये नेजल कैविटी है, ये नेजोफेरिंक्स है। तो नेजोफेरिंक्स इस नेजल कैविटी से कनेक्टेड होती है। नंबर 2 ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स वो फेरिंक्स होती है जो ओरल कैविटी से कनेक्टेड होती है। ये ओरोफेरिंक्स है, ये ओरल कैविटी है। ओरोफेरिंक्स ओरल कैविटी से कनेक्टेड होती है। नंबर 3 लैरिंगोफेरिंक्स। ये लैरिंगोफेरिंक्स है। लैरिंगोफेरिंक्स वो फेरिंक्स होती है जो लैरिंग से कनेक्टेड होती है। ये स्ट्रक्चर लैरिंग का है, ये लैरिंगोफेरिंक्स है। तो लैरिंगोफेरिंक्स लैरिंग से कनेक्टेड होती है। नंबर एलिमेंट्री कैनाल का 3rd ऑर्गन ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस को फुट पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये ऑर्गन ईसोफेगस का है। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होती है। एलिमेंट्री कैनाल का 4th ऑर्गन स्टोमक होता है। ये स्ट्रक्चर स्टोमक का है। स्टोमक में 3 रीजंस होते हैं। नंबर 1 कार्डियक रीजंस। स्टोमक का ये रीजन को बोलेंगे कार्डियक रीजंस। कार्डियक रीजन स्टोमक का ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है। ये ईसोफेगस है, ये रीजन स्टोमक का कार्डियक रीजंस होता है। स्टोमक का कार्डियक रीजन ये ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है। नंबर 2 फंडिक रीजंस। स्टोमक का इस रीजंस को फंडिक रीजंस बोलते हैं। ये नंबर 3 पाइलोरिक रीजंस। स्टोमक के इस रीजन को पाइलोरिक रीजंस कहते हैं। पाइलोरिक रीजन स्टोमक का सबसे लोअर रीजंस होता है। या कह सकते हैं कि पाइलोरिक रीजन स्टोमक का पाइलोरिक रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम से कनेक्टेड होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम है। इस ड्यूडिनम से स्टोमक का ये पाइलोरिक रीजन कनेक्टेड होता है। देखिए ईसोफेगस और स्टोमक के बीच ओपनिंग को होती है। उस ओपनिंग को गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स गॉड करता है। ये देखिए ईसोफेगस है, ये देखिए स्टोमक है। ये ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में यहाँ पे ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स गॉड करता है। देखिए स्टोमक और ड्यूडिनम के बीच में ओपनिंग होती है। स्टोमक और ड्यूडिनम के बीच की ओपनिंग को पाइलोरिक स्फिंक्टर गॉड करता है। ये देखिए स्टोमक है। देखिए ये स्टोमक और ये ड्यूडिनम। ये स्टोमक और ड्यूडिनम के बीच में इस ओपनिंग को पाइलोरिक स्फिंक्टर गॉड करता है। एलिमेंट्री कैनाल का 5th ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 ड्यूडिनम। ये स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन को जो दिख रहा है इसको बोलेंगे ड्यूडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम स्टोमक से कनेक्टेड होता है। ड्यूडिनम यू शेप का होता है। नंबर 2
जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन के इस स्ट्रक्चर को जेजुनम बोलते हैं। जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है। जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉइल पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड स्ट्रक्चर को इलियम बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन जो दिख रहा है ये इलियम है। इलियम हाईली कॉइल्ड होता है। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट होता है। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से कनेक्टेड होता है। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम होता है और ये स्ट्रक्चर इलियम होता है। तो इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से कनेक्टेड होता है। एलिमेंट्री कैनाल का सिक्स ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ये डायग्राम जो दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। लार्ज इंटेस्टाइन में फोर पार्ट होते हैं। नंबर वन सीकम, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का इसको सीकम बोलते हैं। सीकम स्मॉल ब्राइन सैक होती है। सीकम स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से कनेक्टेड होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये सीकम है। तो सीकम स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से कनेक्टेड होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के सिकल पार्ट को कोलोन बोलते हैं। ये इस स्ट्रक्चर को लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन बोलते हैं। तीन टाइप के कोलोन होते हैं। नंबर वन असेंडिंग कोलोन, नंबर दो ट्रांसवर्स कोलोन, नंबर थर्ड डिसेंडिंग कोलोन। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट रेक्टम होता है। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम का स्ट्रक्चर होता है। ये रेक्टम एनस में ओपन होता है। ये स्ट्रक्चर एनस का है, इस एनस में रेक्टम ओपन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का फोर्थ पार्ट एनस होता है। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये एनस का स्ट्रक्चर है। इस एनस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के बाहर निकलते हैं। अपेंडिक्स सीकम से निकलता है। ये देखिए ये सीकम है, इस सीकम से ये अपेंडिक्स निकल रहा है। ये अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं होता है। अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के वॉल को डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये एलिमेंट्री कैनाल के वॉल का स्ट्रक्चर है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक फोर लेयर होती है। नंबर वन सिरोसा। सिरोसा एलिमेंट्री कैनाल की सबसे आउटर लेयर होती है। ये जो आउटर लेयर जो दिख रही है ये आउटर लेयर, इस आउटर लेयर को सिरोसा बोलते हैं। देखिए सिरोसा थिन मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। सिरोसा एलिमेंट्री कैनाल की सबसे आउटर लेयर होती है। नंबर दो मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस सिरोसा से अंदर की तरफ होती है। ये देखिए सिरोसा है, सिरोसा से अंदर की तरफ ये दोनों लेयर, ये लेयर और इस लेयर को मस्कुलेरिस कहते हैं। तो मस्कुलेरिस सिरोसा से अंदर की तरफ होती है। मस्कुलेरिस में भी दो लेयर होती है। मस्कुलेरिस में एक ये आउटर लेयर हो गई मस्कुलेरिस की और ये मस्कुलेरिस की ये इनर लेयर हो गई। मस्कुलेरिस की आउटर लेयर को लॉन्गिट्यूडनल लेयर कहते हैं और मस्कुलेरिस की इनर लेयर को सर्कुलर लेयर कहते हैं। मस्कुलेरिस स्मूथ मसल की बनी होती है। मस्कुलेरिस कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। मस्कुलेरिस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड आगे की तरफ मूव करता है। मस्कुलेरिस का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना पेरिस्टाइलिसिस करवाता है। तो मस्कुलेरिस हम कह सकते हैं कि मस्कुलेरिस पेरिस्टाइलिसिस करवाती है। देखिए पेरिस्टाइलिसिस की वजह से फूड आगे की तरफ मूव करता है। पेरिस्टाइलिसिस एक वेव लाइक मोशन होती है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल की सभी मस्कुलेरिस में दो लेयर होती है। सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के स्टमक के मस्कुलेरिस में तीन लेयर होती है। जो तीसरी लेयर होती है उस लेयर को ओब्लिक लेयर कहते हैं। ओब्लिक लेयर स्टमक के मस्कुलेरिस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल के थर्ड लेयर को सब म्यूकोजा कहते हैं। सब म्यूकोजा मस्कुलेरिस के अंदर की तरफ होती है। ये देखिए मस्कुलेरिस है, ठीक है ना। इस मस्कुलेरिस के अंदर की तरफ ये वाली लेयर, इस लेयर को बोलेंगे सब म्यूकोजा लेयर। देखिए सब म्यूकोजा
मस्कुलरिस के अंदर की तरफ होती है, या कह सकते हैं कि सब म्यूकोजा मस्कुलरिस और ये म्यूकोजा के बीच में होती है। सब म्यूकोजा लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। सब म्यूकोजा में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल और नर्व होती है, लेकिन ड्यूटिनम के सब म्यूकोजा में ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकस को सिक्रेट करती है, म्यूकस ड्यूडिनम की प्रोटेक्शन करती है। एलिमेंट्री कैनाल की फोर्थ लेयर को म्यूकोजा कहते हैं। म्यूकोजा एलिमेंट्री कैनाल की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, या कह सकते हैं म्यूकोजा एलिमेंट्री कैनाल के सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इस लेयर को म्यूकोजा कहते हैं। म्यूकोजा एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमन को लाइन करता है। ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमन है और ये म्यूकोजा है। तो म्यूकोजा एलिमेंट्री कैनाल के इस ल्यूमन को लाइन करता है, या इस एलिमेंट्री कैनाल के इस ल्यूमन में फूड रहता है। तो हम कह सकते हैं कि म्यूकोजा फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। स्टमक के म्यूकोजा में इररेगुलर फोल्ड होते हैं, इररेगुलर फोल्ड को रूगे कहते हैं, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाई कहते हैं। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के ये म्यूकोजा में ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाई कहते हैं। देखिए विलाई और रूगे सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। देखिए जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो फूड का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। विलाई में कैपिलरी का नेटवर्क होता है, विलाई में लैक्टेल्स होते हैं। ये देखिए ये विलाई है, इस विलाई में ये देखिए ये कैपिलरी का नेटवर्क है, ठीक है ना। देखिए इस विलाई में ये लैक्टेल्स है, ये लैक्टेल लार्ज लिम्फ वेसल्स होती है, लैक्टेल फैट का एब्जॉर्प्शन करती है। विलाई के बेस में क्रिप्ट ऑफ लिवर कॉन होता है। ये देखिए विलाई है, ठीक है, ये देखिए विलाई का बेस है। देखिए इस विलाई के बेस में ये देखिए क्या क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन है। ये देखिए विलाई के बेस में ये क्या है क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन है। क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन को इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहते हैं। विलाई के सरफेस पर एपिथेलियल सेल होती है। ये देखिए विलाई है, इस विलाई पर ये एपिथेलियल सेल है, ये एपिथेलियल सेल है। एपिथेलियल सेल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस बनाती है, इस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस को माइक्रोविलाई कहते हैं। ये देखिए ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल्स ये माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस ये बना रही, इस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस को माइक्रोविलाई कहते हैं। ये माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस देते हैं। म्यूकोजल एपिथेलियम में गोबलेट सेल्स होती हैं, गोबलेट सेल म्यूकस को सीक्रेट करती हैं, म्यूकस लुब्रिकेशंस में हेल्प करता है।